और मैं ये कहना चाहूँगी ब्रजभूषण शरण को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाह, वो किसी एक पार्टी का नहीं है, और ओलंपिक संघ से उससे इस्तीफा तत्काल दे देना चाह, और जो ये लड़ाई है ये लंबी चलेगी। हम ये कहें कि बीजेपी सरकार में माफिया को मिट्टी में मिला दें, भाई बुलडोजर चले उस पर, तो लेकिन अब इस पर क्या हो रहा है कार्रवाई सरकार या बीजेपी कर रही है? ब्रजभूषण शरण जिस पे यौन शोषण का आरोप हो और पोस्टों की इस पर धर लगी हुई है, वो हिंदुस्तान में ये बता दो कि वो आदमी जेल से बाहर है। पर लेकिन हमें ये पता लगा, ये जानकारी हमें मिली, हम ये देख रहे बीजेपी का कानून अलग है, जो बीजेपी है और उसके सत्ता पक्ष के सांसद विधायक है उनका कानून अलग है, और भारत में आम जनता का कानून अलग है। भारत का संविधान दो हिस्सों में बट गया, एक बीजेपी का संविधान और एक पब्लिक का संविधान। पोस्ट को लगना और यौन शोषण का आरोप, ये हमारी बहन बेटियां वहां पे आरोप लगा रही, तो इससे बड़ा आरोप कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी धारा संगीन अपराध कोई नहीं हो सकता। तो यानी जो बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा, मैं ये कह रहा कि समाजवादी लोकदल इस पार्टी पीस पार्टी घीस पार्टी किसी पार्टी का सांसद होता आज इसका घर बुलडोजर चलता और ये मिट्टी मिल जाता। अब तक उत्तर यूपी सरकार भी और केंद्र सरकार बीजेपी सरकार से मिट्टी मिला सकते। तो यानी माफियाओं को सरकार मिट्टी में मिला रही है लेकिन अपने नेताओं को बचा रही है, क्या? अगर देखा जाए तो जो मोदी सरकार आई तो उनकी करप्शन को लेकर जीरो टाइम